Hey guys, welcome back to my channel. मैं हूँ आकांक्षा और आज के वीडियो में एक एलोवेरा जूस का रिव्यू करूँगी. मार्केट में बहुत सारे एलोवेरा जूस अवेलेबल हैं और क्योंकि हम सब जानते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में, इसलिए ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा एलोवेरा चूज़ करें, कौन सा प्योर है या नहीं. तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सालों तक पतंजलि का एलोवेरा जूस यूज़ किया जो कि बहुत अच्छा है और अभी कुछ दिनों से मैं यूज़ कर रही हूँ ये अर्ब्स गुडनेस का एलोवेरा जूस. ये भी बहुत अच्छा है. अच्छी बात ये है कि अर्ब्स गुडनेस के जितने भी जूसेस हैं बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, अच्छे डिस्काउंट चलते रहते हैं और ये काम भी उतना अच्छा करता है. तो आज के वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो. जूस में होता है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, फॉलिक एसिड्स और स्मॉल अमाउंट में बहुत सारे विटामिन होते हैं. बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं जैसे कैल्शियम, कॉपर और सोडियम, सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीज, जिंक और इसमें विटामिन बी ट्वेल्व भी होता है. ये जो एलोवेरा जूस है ये क्लेम करता है कि ये इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करेगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा और क्लियर स्किन को प्रमोट करता है. इसमें कोई भी अलग से शुगर, विटामिन्स, मिनरल्स ऐड नहीं किए गए हैं और ये सिर्फ कंसम्पशन पर्पस से है. आप इसको फेस पे अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ आप इसको पी सकते हैं. 300 ml का ये पैक है. इसकी प्राइस की बात करूँ तो 110 rupees है जो कि आफ्टर डिस्काउंट आपको अंडर 100 की मिलेगी. मुझे सिर्फ 60 rupees में ये मिला. 18 मंथ्स तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं. इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स की बात करूँ तो इसमें एनर्जी 2.32 कैलोरीज है, फैट नहीं है, प्रोटीन 40 mg है, कार्बोहाइड्रेट 0.58 ग्राम है, शुगर नहीं है, सोडियम 64.42 है. इसके इंग्रीडियंट्स की बात करूँ तो 100 ml जूस में जो एलोवेरा जूस यूज़ किया गया है वो 98 ml यूज़ किया गया है. एसिडिटी रेगुलेटर्स हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स को एनहेंस करती हैं और जेल कंसिस्टेंसी को इंक्रीज़ करती हैं. प्रिजर्वेटिव्स के लिए इसमें E202 है जो कि सोडियम बेंजोएट है जो कि बहुत सारे विनेगर्स और सैलड्स, पिकल्स में यूज़ किया जाता है. इसमें अलग से कोई भी कलर या फिर फ्रेगरेंस ऐड नहीं किया गया है. आप इसको रूम टेम्परेचर पर रख सकते हैं, कूल ड्राई प्लेसेस पर भी रख सकते हैं. डायरेक्ट सनलाइट में आप इसको ना रखें, प्रेगनेंसी के टाइम पे आप इसको यूज़ ना करें. अब बात करते हैं इसको पीना कैसे है. आप 15 ml इसकी क्वांटिटी ले लीजिए और ल्यूकवॉर्म वाटर के साथ या फिर नॉर्मल वाटर के साथ आप इसको ले सकते हैं. अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप इसको एम्प्टी स्टमक ल्यूकवॉर्म वाटर के साथ लें. ज़रूरी नहीं है कि आप इसको एक ही टाइम लें, आप चाहे तो दो टाइम भी ले सकते हैं. मैं इसको एक टाइम लेती हूँ और मैं मॉर्निंग ड्रिंक में नहीं लेती हूँ, मैं आफ्टर ब्रेकफास्ट इसको लेती हूँ. तो आप भी किसी भी टाइम पे ले सकते हैं, बस मील जो भी आप लेते हैं उसके एक घंटे बाद लीजिए, तुरंत खाना खाने के बाद ना लें. ये जो जूस है ये WHO सर्टिफाइड है, HACCP सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है, एपिडा सर्टिफाइड है. अपनी स्किन को, अपने हेयर को अच्छा करना चाहते हैं तो ये सारे जो ड्रिंक्स हैं इनको लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. या तो आप एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हैं, नीम जूस ले सकते हैं स्किन हेयर के लिए, एलोवेरा जूस ले सकते हैं, ग्रीन टी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. और ये सारी चीज़ें भी नहीं लेना चाहते हो तो मॉर्निंग में वार्म वाटर ज़रूर लीजिए जिससे कि आपकी बॉडी डिटॉक्स हो सके, आपका डाइजेशन अच्छा हो सके. और जब डाइजेशन अच्छा रहेगा और आप अंदर से हेल्दी रहोगे तो वो चीज़ आपके स्किन पे बाहर से नज़र आएगी. पर अगर आप तो सोच रहे हो कि आप ये क्रीम्स और ये सारी चीज़ें लगाने से ही बस आपका काम हो जाएगा तो बिल्कुल नहीं होगा. आपको ये जूसेस का इम्पॉर्टेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको इंक्लूड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर आप ये सारी चीज़ें इंक्लूड करते हो तो कभी कभी होता है ना कि हम कुछ भी उल्टा सीधा खा लेते हैं. जैसे अभी दिवाली थी, कितना मीठा और कितनी आलतू फालतू चीज़ें खाई. तो जब चीट मील करते हो तो और साथ में ये ड्रिंक्स लेते हो तो जो भी चीट मील्स का ये जो बुरा असर है ना वो हमारी बॉडी पे नहीं पड़ता है. तो इसलिए ये सारी चीज़ें इंक्लूड करना ज़रूरी है अगर आप अपने स्किन को क्लीन, क्लियर, हेल्दी बनाना चाहते हो तो. आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा. पसंद आया तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.